हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम साबुदाने की खीर बनाएंगे। साबुदाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबाल लेंगे। इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। देखिए, दूध अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें करीब एक कप साबुदाना डालेंगे, जिसे हमने पहले ही साफ करके आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। देखिए, साबुदाना कुछ इस तरीके से फूल जाएंगे। अब हम इसको दूध में डाल देंगे। अब इसमें कुछ 8 से 10 केसर के रेशे डालेंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए उबलने देंगे। हम इसको तब तक उबालेंगे जब तक साबुदाना हल्का गल ना जाए। देखिए, अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें कुछ कटे हुए बादाम, 8 से 10 किशमिश, थोड़ी सी चिरौंजी, और 1 चम्मच घिसा हुआ नारियल डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। ये खीर बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। अब इसमें 3/4 कप चीनी डालेंगे। हम इसको 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। देखिए, 2 मिनट हो चुकी हैं और ये उबल चुका है। अब इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और मिला लेंगे। खीर तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। साबुदाने की खीर बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे एज अ स्वीट एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।